देश और प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी, छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाने के संकेत। कोरोना संक्रमण के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण वनवासियों और ग्रामीणों के लिए बना रोजगार का जरिया। प्रदेश में अब तक 12,33,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण। बस्तर के झीरम घाटी में 8 साल पहले हुए माओवादी हमले में शहीद नेताओं और जवानों को दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। और ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात यास का छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है असर। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के भी आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश और प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कारोबार को पटरी पर लाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को भेजे दिशा निर्देश में ये संकेत दिए हैं कि 31 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण दर 8% या उससे कम है, वहां सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी और रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, मॉल और सुपर बाजार भी खोले जा सकेंगे। लॉकडाउन प्रभावशील है। इसके अलावा होटलों में विवाह कार्यक्रम भी हो सकेंगे, लेकिन मेहमानों की संख्या पर प्रतिबंध पहले की तरह रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी, केवल टेक अवे, ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। विवाह और अंतिम संस्कार में सीमित लोगों की उपस्थिति रहेगी। वहीं सिनेमा हॉल और थिएटर पहले की तरह बंद रहेंगे। प्रदेश के जिन जिलों में 8% से ज्यादा संक्रमण दर है, वहां अभी लॉकडाउन लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में 31 मई की सुबह 6 बजे तक कुछ छूट और शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बीच प्रदेश में कल 4,209 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,53,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में लगभग 61,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच कल कोरोना से 60 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह में रिकवरी दर में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की औसत रिकवरी दर में भी पिछले सप्ताह की तुलना में 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब रिकवरी दर बढ़कर 92% पर पहुंच गई है। इसी तरह देश में अस्पतालों में उपचार के लिए आ रहे कोरोना मरीजों की संख्या घटती जा रही है। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है और ये 79.26% हो गई है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत की खबर देखने को मिल रही है। बिलासपुर जिले के चकरभाटा बोदरी निवासी 100 साल के एक बुजुर्ग ने मात्र 8 दिनों में कोरोना को मात देकर ये साबित कर दिया कि सही समय पर जांच और उपचार हो तो कोरोना को किसी भी उम्र में मात दी जा सकती है। बोदरी निवासी आनंद राम को कोरोना संक्रमण के बाद गंभीर अवस्था में बिल्हा कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। सेंटर में तैनात चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुजुर्ग मरीज का बेहतर इलाज किया। आनंद राम को जब भर्ती कराया गया तब उनका ऑक्सीजन लेवल 89 तक पहुंच गया था। अस्पताल में बेहतर इलाज से उनका ऑक्सीजन लेवल 96 पर आ गया और 8 दिनों के इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर वे घर लौट आए। बुजुर्ग आनंद राम के रिश्तेदार सोनिया मेटवानी ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने मरीज की बेहतर देखभाल की, इसी का परिणाम है कि मरीज जल्द ही स्वस्थ हो सके। अभी ने इनको कोरोना हो गया तो हम लोगों ने बिल्हा में उनको एडमिट किया जहां उन्होंने ये बनाया है सेंटर। तो वहां से होकर के जब आए हैं तो अब
बेटर है, वहाँ से आए हैं तो वहाँ उनकी सेवा भी बहुत अच्छे से हुई। जो वहाँ डॉक्टर्स थे उन्होंने उनकी बहुत देखभाल की, क्योंकि ये एजेड थे करके वहाँ, और वहाँ कोई भी एजेड इतनी उम्र का नहीं था, तो इनकी यहाँ वहाँ देखभाल बहुत अच्छी हुई, और वहाँ से आए हैं तो थोड़ा बेटर हैं। बुजुर्ग आनंद राम ने बताया कि अस्पताल में सभी उनका पूरा ध्यान रखते थे, जिससे जल्द स्वस्थ होने में उन्हें मदद मिली। राजनांदगांव जिले के सोमनी स्थित शासकीय मॉडल कॉलेज में सर्व सुविधा युक्त 200 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री अकबर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं ने लगातार कार्य किए। इसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सका है। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि सोमनी स्थित कोविड केयर सेंटर में 200 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इनमें 100 ऑक्सीजन युक्त और 100 सामान्य बिस्तर हैं। सेंटर में 5 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। मॉडल कॉलेज सोमनी के बिल्डिंग में 100 बिस्तर ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेंगे और 100 नॉर्मल बेड का रहेगा। इस प्रकार 200 बेड की सुविधा यहाँ उपलब्ध रहेगी और यहाँ पे 5 मिनी वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की जा चुकी है। और आगामी समय में जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही कि कोरोना का थर्ड वेव भी आ सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन और स्थानीय सामाजिक संगठनों के सहयोग से तैयारी की गई है। बताया गया है कि कोविड सेंटर के लिए डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है और वेंटिलेटर की देखरेख के लिए टेक्नीशियन को प्रशिक्षण दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों और जरूरतमंदों की मदद के लिए विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर में कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए जैन समाज सहारा बनकर खड़ा है। लूंगगढ़ भवन को कोविड सेंटर, ओसवाल भवन को टीकाकरण केंद्र और महावीर भवन को भोजनशाला के रूप में विकसित कर जैन समाज ने एक उदाहरण पेश किया है। इतना ही नहीं, कई मरीजों की जान बचाने के लिए समाज के युवाओं ने रक्तदान भी किया। साथ ही समाज द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन पैकेट का वितरण भी किया जा रहा है। जैन समाज के अध्यक्ष भंवर बोथरा ने बताया कि कोविड सेंटर में मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। उसका विस्तार भी काफी लंबा था और ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे, तो जैन समाज ने जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी लुकड़ भवन को कोविड सेंटर के रूप में विकसित किया था। और इस बार भी हम लोगों ने पहले ही ये निश्चित कर लिया था कि अगर इस प्रकार की कोई चीज़ होती है तो जन भागीदारी भी प्रशासन के साथ जरूरी होता है। और लुकड़ भवन को कोविड सेंटर के रूप में विकसित करने का हमारा सबसे मुख्य यही था कि बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घर में जगह नहीं होती है और वो हॉस्पिटलाइज होने में भी थोड़े से दिक्कत महसूस करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर ये सुविधा देने की व्यवस्था कर रहे थे। और व्यवस्था में हम लोगों ने मोस्टली सारी व्यवस्थाएं की हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं और दवाई वगैरह भी अधिकांश हम यहाँ से फ्री में देते हैं, भोजन देते हैं, केवल एक ब्लड टेस्ट है जिसको बाहर से करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि लूंगगढ़ भवन में संचालित कोविड सेंटर में अब तक 33 लोगों का इलाज किया जा चुका है। 22 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है, वहीं 7 लोगों का इलाज अभी भी यहां चल रहा है। प्रदेश में इन दिनों तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य जारी है। चालू वर्ष के दौरान अब तक 12,33,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। यह लक्ष्य का 74% है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को कुल भुगतान योग्य राशि 453 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। राज्य लघु वनोपज संघ के मुताबिक कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत सबसे ज्यादा 86% तक तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। पूर्व भानु प्रतापपुर वन मंडल में लक्ष्य का सर्वाधिक 94% तक तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी तरह बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर वन मंडलों में 78% तक तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत 80%,
रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत 79%, बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत 78% और सरगुजा वन वृत्त में 53% तक तेंदुपत्ता का संग्रहण कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच कोरबा जिले में वनवासियों और ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण रोजगार का महत्वपूर्ण जरिया बना हुआ है। कोविड नियमों के तहत ग्रामीण मास्क और सैनिटाइजर लगाकर तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि इस वर्ष प्रति मानक बोरे की दर 4,000 रुपये तय की गई है, लेकिन कोरबा वन मंडल की बेला समिति में तेंदुपत्ता की बिक्री उच्च गुणवत्ता के कारण दुगने से भी ज्यादा दर पर हुई है। ये देख रहे हैं कि जो मेरी लॉट बिक्री हुई है उसमें एक लॉट ऐसी भी है जो बेला समिति की जो लॉट है वो 9,513 रुपये मानक बोरा पर बिकी है, जबकि जो प्रति मानक बोरा मूल्य है वो 4,000 प्रति मानक बोरा होता है, सो दुगने से भी अधिक कीमत पर बिकी है। और जो न्यूनतम दर गई है वो 5,042 रुपये गई है। इस प्रकार हमारी सारी यूनिट्स जो हैं वो जो भी बिकी हैं वो निर्धारित दर से अधिक पर ही बिकी हैं। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने के साथ ही सामाजिक दूरी बनाकर तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बस्तर के झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले में शहीद कांग्रेस के नेताओं और जवानों की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए माओवादी हमले में शहीद नेताओं और जवानों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। झीरम घाटी के माओवादी हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार सहित अनेक नेता और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दंतेवाड़ा और जगदलपुर में शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झीरम घाटी के घटनास्थल पर बने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर झीरम घाटी के शहीदों को याद किया गया। इधर राजनांदगांव के कांग्रेस भवन में झीरम घाटी के हमले में शहीद नेताओं और जवानों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और अब मौसम की बात। ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात यास का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। आज महासमुंद जिले में करीब 1 घंटे तक तेज अंधड़ चली, जिससे कई पेड़ गिर गए और बिजली के खंभे गिर गए। तेज हवाओं के कारण काफी देर तक बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने और अंधड़ चलने की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून मालदीव कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के कुछ हिस्से तक मानसून के पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मालदीव कोमोरिन क्षेत्र के कुछ और हिस्सों और बंगाल के दक्षिण पश्चिम और ईस्ट सेंट्रल खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की संपूर्ण दक्षिण पूर्व खाड़ी के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में संभावित यास चक्रवात तूफान की चेतावनी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे से संबंधित कई गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश और प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी, छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाने के संकेत। कोरोना संक्रमण के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण वनवासियों और ग्रामीणों के लिए बना रोजगार का जरिया। प्रदेश में अब तक 12,33,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण।
बस्तर के झीरम घाटी में 8 साल पहले हुए माओवादी हमले में शहीद नेताओं और जवानों को दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। और ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात यास का छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है असर, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के भी आसार। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।